हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे सरस्वती कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप चलिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और एक बात और, जो बेल आइकन है उसको आप सभी लोग दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको समय से पहले मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए, आप लोग पहले पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े हैं प्रश्नावली 1.1 आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम आज प्रश्नावली 1.2 के लिए कुछ नियम बताएंगे। तो चलिए नियम शुरू करते हैं, ठीक है। पहले हम बताएंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। फिर भाज्य संख्या क्या होती है, फिर इसके बाद पढ़ाएंगे आपका गुणनखंड, किसी संख्या का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणनखंड वृक्ष पढ़ेंगे। फिर अंगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। फिर मौसल असाव, किसी दो संख्याओं के मौसल असाव में क्या संबंध होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है ना। वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त स्वयं, ठीक ना, एक के अतिरिक्त स्वयं के स्वयं से कटे, ठीक ना। वे संख्याएं, यानी जो संख्याएं, एक को छोड़ दीजिए, जो संख्याएं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, नहीं विभाजित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। यानी वे संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से, है ना, संख्या से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे वन न तो अभाज्य संख्या और नहीं भाज्य, वन को छोड़ देते हैं, वन के अतिरिक्त देखते हैं, ठीक ना। तो दो होता है, फिर तीन होता है, फिर पांच होता है, सात होता है, ग्यारह होता है, तेरह होता है, डा। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक ना, जो स्वयं के अलावा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है, ठीक है ना। अब भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे, भाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याएं, ठीक है। वे संख्याएं, ठीक है ना, जो वन के अतिरिक्त और स्वयं के अतिरिक्त, ठीक ना, वन और स्वयं के अतिरिक्त दूसरे अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, चार होती है, चार हुआ, छह हुआ, ठीक है ना। फिर से चार हुआ, छह हुआ, आठ हुआ, नौ हुआ, ठीक है, दस हुआ, बारह हुआ, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक ना, जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाते हैं। जैसे ये जो चार है ये दो से विभाजित हो जाएगा, छह है तीन से भी होगा, दो से भी विभाजित हो जाएगा। तो ये जो संख्याएं हैं इसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे गुणनखंड, ठीक ना, किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है, ठीक है ना, किसी संख्या का गुणनखंड, किसी संख्या का गुणनखंड, ठीक। तो वे संख्याएं जो किसी संख्या को पूरा विभाजित कर देती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। जैसे जो मान लीजिए 20 है, तो 20 का गुणनखंड 1 होगा, ठीक है, 2 होगा, फिर से 4 होगा, 4 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, फिर से 10 से विभाजित हो जाएगा, फिर 20 से विभाजित हो जाएगा। यानी 20 के गुणनखंड 1 भी हो सकता है, 2 हो जाएगा, 3, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये सब क्या है, गुणनखंड है, ठीक ना। अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करें, अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो आप लोग छोटी कक्षा में पढ़े होंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। जैसे 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 20 को हम ऐसे लिखते हैं, 20 दो से कटाते हैं,
सबसे छोटी आवाज संख्या दो होती है, फिर तीन होती है, उसके बाद पाँच होता है, उसके बाद सात होता है, दो से कटाएंगे ठीक है, दो दाम 20 होगा, फिर दो से कटाएंगे, दो पच्चीस 10 होगा, फिर पाँच से कटाएंगे, फिर तो यानी इसका जो 20 है उसका अभाज्य गुणनफल क्या क्या है, दो गुणे दो गुणे पाँच हो जाए, ये है ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे गुणनखंड वृक्ष, ठीक है ना, गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष क्या होता है देखते हैं, गुणनखंड वृक्ष यानी किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड को एक वृक्ष के रूप में अगर सजा दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड वृक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे 28 है, 28 को हमको गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, पहले 28 को दो से कटाएंगे, ठीक है ना, तो दो 14 हो जाएगा, फिर 14 का दो से कटाएंगे, दो से 14 हो जाएगा, यानी हमारा ये गुणनखंड 28 का गुणनखंड अगर वृक्ष बनाना है ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। ये गुणनखंड वृक्ष आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित, ठीक ना, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो है अभाज्य गुणनखंड, एक मतलब ये किसी संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्व तथा लौसव ज्ञात करने की एक विधि है, ठीक है। इस विधि को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको कहा जाए कि जैसे आप क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जैसे 26, 72 और 108 का मौसा तथा लौसा गया, अंगणित अंगणित की का अंगणित की आधारभूत प्रमेय से, अंगणित की आधारभूत प्रमेय से प्रमेय से मौसा तथा लौसा ज्ञात कीजिए, मौसा तथा लौसा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, लौसा ज्ञात जी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं सबका, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर लीजिए 26 का, ठीक है, 13 हो जाएगा, फिर 13 फिर 1 हो जाएगा, फिर इसका 72 का कर लेंगे हम लोग, ठीक ना, 72 का, 72 का करेंगे 36, फिर 2 से कटाएंगे, फिर 18 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से कटाएंगे, फिर 3 से कटाएंगे ये हो जाएगा, फिर 108 का करेंगे, ठीक है, 108 का करेंगे, 2 5 10, ठीक है, 2 4 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 7 14, फिर 3 से कटाएंगे, 3 9 27, फिर 3 से कटाएंगे, फिर 3 से कटाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए अब 26 को क्या लिख देंगे, 26 को 2 × 13 लिख देंगे, ठीक है। 72 को लिखेंगे, इसमें कितने दो आए, तो तीन दो आए, तो 2 के घात पे 3 लिख देंगे आप, फिर 3 कितने हैं, 2 हैं, 3 के घात पे 2 लिख देंगे, ठीक है ना, 108 है। फिर इसको हम लोग, इसमें कितने दो हैं, 2 हैं, तो 2 के घात पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और 1 2 3, 3 कितने हैं, 3 हैं, तो 3 के घात पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए मौसम के लिए क्या करते हैं, तीनों में देखते हैं कि कौन किसकी घात सबसे, तीनों में जो मिल भी रहा है तब, मतलब तीनों में मौसम याद करने के लिए क्या करते हैं कि देखते हैं कि तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है और सबसे छोटी घात किसकी है, ठीक ना। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 है, तीनों में कॉमन मिल रहा है और सबसे छोटी घात क्या है, 1 है, तो इसका जो मौसम होगा 2 की घात 1 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी से लौसा की बात करें तो जो लौसा होगा आपका, लौसा देखिए लौसा में क्या देखते हैं कि तीनों में, अब देखिए सबसे बड़ी घात कौन है, ठीक ना, 2 की से इसमें 2 है तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो 2 की घात 3 लिखेंगे, फिर 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, इसको लिखेंगे, फिर 13 है तो 13 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, तो इसको लिखेंगे, तो इसको हम लोग 3 3
दो दिन 4 दिन 8 हो जाएगा, गुड़े 9 27 हो जाएगा, ठीक है, और गुड़े 113। अब इसका हम गुड़ा कर देंगे, ठीक ना, तो गुड़ा कर लीजिए 8 7 56, ठीक है, और 8 9 16 5 21 हो जाएगा, फिर इसमें 13 से गुड़ा कर देंगे, ठीक है, 13 से गुड़ा करिए, 3 6 78 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 6 78 7 हो जाएगा, फिर 13 2 13 7 30 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 13 2 26 26 2 28 हो जाएगा, यानी हमारा जो लॉस होगा 28 08 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आप लोग पढ़े होंगे कि आधार युक्त प्रमेय, ठीक ना, यानी इस प्रमेय की सहायता से हम लोग दो या दो से अधिक संख्याओं का मॉस और लॉस ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक और टॉपिक बच रहा है, दो संख्याओं के बीच मॉस तथा लॉस में क्या संबंध होता है, ठीक है ना, तो चलिए संबंध को पढ़ लेते हैं, या इसके बाद ये नियम खत्म हो जाएगा, तो अगली प्रश्नावली हम लोग चालू करेंगे। तो लिखेंगे दो संख्याओं के बीच मॉस तथा लॉस में संबंध, ठीक है, में संबंध, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक। इसमें सूत्र होता है दो संख्याओं का ठीक है गुणनफल बराबर होता है, गुणनफल बराबर मॉस गुणे लॉस, यानी उन संख्याओं का मॉस गुणे उन संख्याओं का लॉस, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कि मॉस ज्ञात करना है, ठीक है, दो संख्याएं दिया है और लॉस दिया है और मॉस पूछ रहा है, तो मॉस बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में लॉस होता है, ठीक है। तीसरा नंबर, अगर लॉस पूछ रहा है तो लॉस बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल अपान मॉस होता है, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर मान लीजिए कि मॉस और लॉस दिया हो और कोई एक संख्या दिया हो और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा हो, तो दूसरी संख्या बराबर होता है मॉस गुणे लॉस, ठीक है, मॉस गुणे लॉस बटे पहली संख्या, ठीक है। या मान लीजिए अगर मान लीजिए पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो पहली संख्या बराबर मॉस गुणे लॉस, मॉस गुणे लॉस अपान क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और आज के दिन इतना ही। अब आपको हम कल पढ़ाएंगे अगला इसका इससे संबंधित जो नियम है उसको, अरे जो प्रश्नावली है उसको हम बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास आप लोग का यही खत्म किया जाता है। आज का क्लास आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी से एक बार फिर कहना है कि इस वीडियो को बहुत से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और एक बार आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे हमारे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।